पिछले कई दिनों से शहरी क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले तीन बदमाशों को नालंदा पुलिस ने चोरी के 10 लाख के जेवरात, दो लोडेड कट्टा, गांजा और लूट की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। सदर डीएसपी डॉक्टर सिबली नोवानी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शहरी क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। बदमाश अधिकतर बंद घरों को टारगेट कर घर में रखी ज्वेलरी, नकदी समेत अन्य सामानों की चोरी कर लिया करते थे। कई इलाकों में चोरी की घटनाएं सामने आने के बाद टीम का गठन किया गया और टीम द्वारा पूर्व से वांछित अपराधियों पर नजर रखते हुए सोसराय थाना इलाके के खास संगंज मोहल्ला निवासी मोहम्मद आमिर उर्फ बोतला, नूरसराय थाना इलाके के सहसराय निवासी मोहम्मद इरफान उर्फ आफ्ताब और नगर थाना क्षेत्र के महल पर निवासी सैफू उर्फ लालू के घर छापेमारी की गई, जहां से चोरी और लूट के कई सामान और दो लोडेड कट्टा बरामद हुआ। बरामद किए गए जेवरात की कीमत करीब 10 लाख रुपए से अधिक बताया जा रहा है। इन तीनों बदमाशों के ऊपर पूर्व से ही कई थानों में हत्या, लूट और चोरी के कई घटनाओं में शामिल होने का इतिहास पता चला है। वहीं तीनों कई बार जेल भी जा चुके हैं। तीनों बदमाश की गिरफ्तारी से पुलिस कुछ दिनों तक चैन की सांस ले सकेगी। क्या क्या चीज में घबराएंगे लोग? शहरी क्षेत्रों में विगत कुछ दिनों में गिरी वेदन की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें बंद घरों में अपराधकर्मियों के द्वारा ताला इत्यादि तोड़कर चोरी की घटना कारित की जा रही थी। इन घटनाओं को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा काफ़ी गंभीरता से लिया गया और उद्भेदन एवं गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें थानाध्यक्ष बिहार लहरी सोसराय, सीआई बिहार जिला सूचना इकाई के पुलिसकर्मी सब शामिल थे। हम लोग इसमें जो पूर्व के जो आरोपपत्रित फिरार संदिग्ध अपराधकर्मी हैं, साथ साथ जो टेक्निकल सर्विलांसेस वगैरह इत्यादि के आधार पे हम लोग अनुसंधान प्रारंभ किए। इसमें कुल 3 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग पूर्व में भी कई इस तरह के चोरी के कांडों में जेल गए हुए हैं। इन लोगों के पास से घटना में जो चोरी किया गया था, काफ़ी जेवरात, सोने चांदी के जेवरात, साथ साथ जो दो लोडेड देसी पिस्तौल है, एक जिंदा गोली है एवं अन्य सामानों की बरामदगी हुई है। इसके संबंध में हम लोग अलग से प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी के पश्चात जो शहरी क्षेत्रों में बिहार लहरी और सोसराय अन्य जगहों में जो गिरी वेदन के कांड हुए थे, कई कांडों का उद्भेदन हुआ है और इस घटना में अन्य जो शामिल अपराधकर्मियों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी।